श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मंगलवार को पुलिस लाइन में धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, पुलिस लाइन स्थित मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो मनाई गई, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इस बात का ध्यान रखा गया कि भीड़ ना होने पाए। यही वजह है कि झांकियां भी नाम मात्र की सजाई गई। मंदिर के पुजारी ने पहले ही कह दिया था कि जन्माष्टमी का पर्व भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जाएगा। श्रद्धालु अपने अपने घरों में झांकियां सजाएं और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं, इसका असर भी देखा गया। पुलिस लाइन में रह रहे तकरीबन सभी लोग घरों में झांकियां सजाएं और धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व को मनाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आरआई लाइन उमेश दुबे ने कहा, चमक गए पंडित जी। हाँ, चलो आते हैं फिर। देखिए, विगत वर्षों में तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस वर्ष कोविड 19 का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बड़े ही साधारण ढंग से, भीड़ भाड़ न हो इसके लिए भी तीनों चारों गेट हमारे बंद हैं। एक से प्रवेश है, वो भी आएँ, लोग दर्शन करके चले जाएं। जो भी, पहली बात तो बाहरी को अलाउ नहीं है, दूसरा ये कि जो यहाँ परिवार वाले हैं उनको भी ये मैसेज दिया गया है कि अपने घरों में ही पूजा पाठ करें और कोविड 19 का पालन करते हुए सभी मास्क लगाए रहें और 2 गज की दूरी बना के रखें और समय समय पर हाथों को धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें। भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम चलेगा? भजन कीर्तन का जैसे विगत वर्षों में हुआ करता था ऐसा नहीं है, साधारण सा फंक्शन है,
साधारण सा फंक्शन का मतलब आए हैं, लोग दर्शन करके चले जाएं।